क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसमें क्या करना है, आपने क्वेश्चन दिया है बड़े की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर दिया है। तो वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है आपने, तो हमें पता है जो वर्ग होता है भाई, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है 441, इसकी भुजा निकालनी है। तो जब भी हमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया होता है और उसकी भुजा निकालनी होती है तो हमें उसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर है भाई 441 का वर्गमूल, 441 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, यानी जो क्षेत्रफल दिया है उसका हमने वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? ठीक है, तो जब हम 441 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपको वर्गमूल निकालना आता ही है, 2 पे जाएगा पहले, 2 दूनी 4, फिर आ जाएगा 41, 2 का दुगना हो गया 4, अब 1 पे जाएगा ये, ठीक है, तो ये 41 आ गया। तो वर्ग की भुजा है इसकी, वर्ग की भुजा बराबर बराबर क्या आएगा आपका 21 21 मीटर आपका आंसर आएगा भाई, 21 मीटर आंसर, ठीक है। इस तरह से आपने वर्ग की भुजा निकालनी है। तो भाई आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 डिग्री का दिया गया है। तो कोण भी हमने 90 डिग्री का दिया है इसमें समकोण त्रिभुज में, तो यदि एबीसी 6 सेंटीमीटर है और बीसी 8 सेंटीमीटर है तो एसी निकालना है हमने। क्या निकालना है? एसी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी बना दिया हमने, समकोण त्रिभुज एबीसी बना दी, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो बी पे है वो 90 डिग्री का कोण दिया है इसने, यानी बी पॉइंट पे समकोण है ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब हमारे पास हमने ये इसकी भुजा है लिख ली, ठीक है भाई, इसकी क्या लिख ली हमने, भुजा है लिख ली, और तो उसके बाद हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, कौन सी थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है भाई, तो आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग करें तो वो कर्ण के वर्ग के बराबर आता है, यानी ए बी का वर्ग जमा बीसी का वर्ग बराबर एसी का वर्ग। तो इसके फार्मूले का हम यूज करेंगे, तो ए बी का वर्ग का मतलब है ये ए बी यानी 6 का वर्ग, क्या आएगा, ए बी कितना है 6 का वर्ग जमा बी कितना है बीसी 8, तो ये बीसी है 8 का वर्ग बराबर एसी, हमें पता नहीं एसी का वर्ग ऐसे ही लिख लेंगे हम, ठीक है। तो अब ये कितना आया, 6 को 6 से गुणा करेंगे, 6 का वर्ग कितना होता है 36 जमा 8 का वर्ग 64 बराबर एसी का वर्ग, ठीक है। तो 36 और 64 होता है 100 बराबर एसी का वर्ग। तो अब हमें एसी निकालना है, तो जब एसी का वर्ग 100 के बराबर है और एसी निकालना है तो दोनों कन्नी हम वर्गमूल करेंगे, तो 100 का वर्गमूल भी निकालेंगे, दोनों कन्नी वर्गमूल करने पर तो ये वर्ग और वर्गमूल कैंसिल हो जाते हैं, एसी रह जाएगा, और 100 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल कितना होता है देखो, उधर 10, तो यहाँ पे 10 बराबर एसी आएगा,
तो जो एसी आ गया वो 10 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया भाई? तो इस तरह से आपने वर्ग की जो कर्ण है वो आपने निकालना है, ठीक है? आपके पास इस तरह से आपने क्वेश्चन करना है, ठीक है बच्चों? समझ में